नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, और सबसे ज्यादा खास मेरे उन सिविल इंजीनियर भाइयों के लिए जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या साइट पर आए हैं एज ए फ्रेशर। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टील यानी सरिये का वजन मीटर और फीट में कैसे कैलकुलेट करना है, कि एक सरिये की रोड हो या पूरे स्टील का बंडल, उसका वजन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरिये का वजन चाहे आप फीट में कैलकुलेट करें या मीटर में, इसके लिए सिंपल सी दो ट्रिक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम स्टील का वेट मीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162। डी क्या है, हमारा डाय ऑफ स्टील बार है, इनटू एल, एल मींस जिस भी स्टील लेंथ के लिए आपको ये वेट कैलकुलेट करना है उस स्टील बार की लेंथ। ओके फ्रेंड्स, तो मान लो कि हमें 8 mm डाय के सरिये का 1 मीटर का वेट कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया डी स्क्वायर मींस डाय इनटू डाय ऑफ बार डिवाइड बाय 162 इनटू 1 मीटर लेंथ ऑफ बार इनटू 1, तो ये हो गया 8 × 8 डिवाइड बाय 162 इनटू 1, और कैलकुलेट होकर आ गया ये 0.39 केजी पर मीटर। मींस हमारा जो 8 mm का सरिया है उसका 1 मीटर का वजन होगा 0.39 केजी पर मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं फीट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फीट में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डाया इंटू डाया डिवाइड बाय 533 इंटू लेंथ, जिस भी स्टील लेंथ के लिए आपको ये वेट कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि हमारे स्टील की जो लेंथ है वो है 3 फीट, तो जिसमें डी है डाया ऑफ स्टील बार, तो डी है हमारा 8 mm, तो 8 × 8 डिवाइड बाय 533 इंटू लेंथ ले लेते हैं 3 फीट, तो ये हो गया हमारा 0.360 केजी पर फीट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसे एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। तो 1 मीटर में हमारे होते हैं 3.28 फीट, तो डाया है स्टील बार का 8 mm, तो 8 × 8 डिवाइड बाय 533 इंटू 3.28 फीट मींस 1 मीटर स्टील बार लेंथ, तो ये आ गया हमारा 0.39 केजी पर मीटर इस 1 मीटर स्टील का वजन। तो आप देख सकते हैं कि मीटर और फीट से कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कैलकुलेट करना चाहते, तो या तो आप फीट से करें या मीटर से, इसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड, तो बस यही दो इजी सी ट्रिक है जिससे स्टील का वजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी आगे आने वाली न्यू अपकमिंग वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।